फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी सिंह और मेरे चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दही ब्रेड वड़ा की रेसिपी। आपने दही ब्रेड वड़ा, दही ब्रेड पाव बहुत बनाया होगा, बहुत खाया होगा, बट एक बार आप मेरी रेसिपी से बनाइए। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने 5 आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया है। कुछ हरे मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कुछ हरे लहसुन की कलियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने धनिया को बारीक चॉप कर लिया है। एक छोटा सा टमाटो को लेके मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया हुआ है। और 1/2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ धनिया पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है। तो इन सब चीज़ों से हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे आलू की। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 5 टेबल स्पून के करीब में मैदा लिया हुआ है। इसका हम पतला सा घोल बनाएंगे अपनी ब्रेड की कोटिंग के लिए। आप चाहें तो राइस फ्लोर या कॉर्न फ्लोर कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे जीरा पाउडर लिया हुआ है। और एक कटोरी यहाँ पर मैंने दही ली हुई है। यहाँ पे मैंने हरे धनिया की चटनी ली है। और यहाँ पे टमाटो सॉस लिया है। और ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने ऐसे गोल कट कर लिया है। 8 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं। आप कोई कुकिंग कटर या ग्लास या कटोरी किसी से भी आप कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे कट करके पहले से रेडी कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ब्रेड दही वड़ा बनाना अपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब इसे हम ज़ीरा पहले ऐड कर देंगे, फिर बारीक कटा हुआ हरा लहसुन इसमें ऐड कर देंगे, हरा मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। अब ये सबको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे हम। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। फिर हल्का सा हम भून लेंगे। तो हमारा प्याज अब भून चला है फ्रेंड्स। इस स्टेज पे हम बारीक चॉप किया हुआ टमाटो जो मैंने लिया था इसे हम ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको प्याज और लहसुन ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट प्याज लहसुन के भी आप बना सकते हैं इसे। और आप चाहें तो स्टफिंग जो मैं इसे भून के बना रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट आलू में मैश करके भी बना सकते हैं। बट भूनने से थोड़ा सा स्टफिंग के स्वाद और बढ़ जाते हैं और अमेजिंग लगता है खाने में। तो इसीलिए मैं इसे भून के ही बना रही हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून करीब हल्दी पाउडर मैंने लिया था, इसे हम ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला हमने लिया था, इसे हम ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर मैंने लिया था, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और इन मसालों को भी थोड़ा सा 1 मिनट तक ऐसे भून लेंगे हम। इसके बाद अपना मैश किया हुआ आलू इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सारे मसाले टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, भून चुके हैं। तो उस स्टेज पे हम अपना बॉयल मैश किया हुआ आलू इसमें ऐड कर देंगे। और इसे भी अच्छी तरह से हम दबा दबा के ऐसे हम मसालों में मैश कर लेंगे इसे भी हम। और यहाँ पे स्वाद अनुसार हम नमक भी ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो हमने लिया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और रेड चिली फ्लेक्स मैंने लिया था इसे भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर तीखा कम पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा स्टफिंग अच्छे से भून चुका है, तो इसे हम एक बाउल में बाहर निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो मैंने मैदा लिया था 5 टेबल स्पून करीब में, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला घोल बना लेंगे इसे हम। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने इसका बिल्कुल एकदम पतला सा घोल बना के रेडी कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ब्रेड की स्लाइस हम लेंगे और अपना स्टफिंग लेंगे और इसमें ऐसे चारों तरफ से ऐसे फैलाते हुए इसे हम स्टफिंग अच्छे से भर लेंगे इसमें हम इस तरीके से, हो गया। और दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस पे हम ऐसे लगा लेंगे
और इसे घोल में हम ऐसे डिप कर लेंगे, चारों तरफ से ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से डिप कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस पर ब्रेड क्रम्स या रवा वगैरह भी इस पर कोटिंग कर सकते हैं, बट मैं ऐसे डायरेक्ट ही इसे फ्राई करूँगी। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था, तो इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही क्रंची होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से बाकी का दूसरा भी ब्रेड का स्लाइसेस वो हम इसी तरह से डिप करके स्टफिंग लगा के इसमें हम उसे भी फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर भी इसे अच्छी तरह से लगा लिया है, और अपना दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस पर हम ऐसे लगा के इसे पैक कर देंगे। और इसे फिर मैदे के घोल में इस तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए इसे हम अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे भी ऐड कर दिया है ऑयल में, इसे हम ऐसे पलट देते हैं। तो ये दही ब्रेड बड़ा हमारा एक फ्राई हो चुका है, तो इसे हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैंने बाहर प्लेट में निकाल लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने इसे तल के बाहर निकाल लिया है, और इससे मैंने इसे चाकू से इसे कट कर दिया है। अब इसमें हम अपना दही से थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने हरी धनिया की चटनी से थोड़ी सी गार्निशिंग की है, और थोड़ा सा टमाटो सॉस से भी इसकी कर लेंगे, और यहाँ पे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा छिड़क लेंगे, ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा इस पर हम डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इस पर हम डाल देंगे। अगर आप चाहें यहाँ पे तो चाट पाउडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए यमी यमी टेस्टी टेस्टी हमारा दही ब्रेड पकौड़ा, दही ब्रेड बड़ा बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इसे ऐसे स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर से मैंने इसे गार्निशिंग कर दी है, और धनिया की चटनी टमाटो सॉस से आप इस तरीके से भी स्नैक्स के तौर पर भी इसे सर्व कर सकते हैं। और ये दही ब्रेड वड़ा जो मैंने बनाया है इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी दही ब्रेड वड़ा की पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है फ्रेंड्स। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी दही ब्रेड वड़ा की बिल्कुल न्यू स्टाइल में पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।